बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू द सेकंड लेक्चर ऑफ क्वालिटी टूल्स एंड टेक्निक्स। सो इन अ फर्स्ट लेक्चर जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, दैट वाज इंट्रोडक्शन टू प्रोसेस एंड प्रोसेस मैनेजमेंट। और उस टॉपिक के अंदर हमने प्रोसेस को डिफाइन किया था, एंड देन हमने इन डिटेल प्रोसेस को मैनेज करने के लिए तीन टूल्स को जो है वो डिस्कस किया था। वन इज IPO डायग्राम, अनदर इज CPOC डायग्राम, एंड थर्ड इज प्रोसेस फ्लो चार्टिंग। एंड देन फिर प्रोसेस फ्लो चार्टिंग को हमने एनालाइज करना भी डिस्कस किया था। आज के लेक्चर के अंदर जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, बेसिकली हम ओवरव्यू ले रहे हैं कि सिक्स सिग्मा है क्या। सो सिक्स सिग्मा को इंट्रोड्यूस करने के लिए सबसे पहले हम उसको जो डिफाइन करने के लिए जा रहे हैं, सो लेट मी स्टार्ट विद अ वेरी नैरो वे कि सिक्स सिग्मा मीन, जहाँ पे जो सिग्मा का वर्ड आ जाता है वो बेसिकली एक स्टेटिस्टिकल मेजर को इंडिकेट कर रहा होता है, दैट इज बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन को हम इंडिकेट कर रहे होते हैं। जबकि इन अ ब्रॉडर सेंस, जो कि बिजनेस सेंस के अंदर हम लेते हैं, कि अगर हम कहें कि आपके प्रोसेस का स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत हाई है, दैट इज बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द वेरिएशन, विच मीन हम उतनी बैड प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो जितनी आप वेरिएशन जो है मीन स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू को रिड्यूस करोगे, that is indicating you are producing a better quality of product, you are producing faster, क्योंकि due to rework ना होने की वजह से, scrap ना होने की वजह से आप अपनी demand को quickly meet कर पा रहे हो, और variation ना होने की वजह से आपकी product की जो per unit cost है वो भी reduce कर जाएगी। So that's why if you are able to reduce the variation, you are able to get the world class quality, which is the Six Sigma standard. अब ये Six Sigma standard है क्या, इसको हम literally discuss करते हैं, but फिलहाल जो हमें important component है, that is the variation. क्योंकि customer की perspective से अगर हम देखें, the variation in the process, that is the enemy for us. Okay, so हमने करना क्या है कि हमने अपने process की variation को जो है वो reduce करना है। So, यहाँ पे हम जो सिक्स सिग्मा को, क्योंकि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन की बेस के ऊपर होता है, इस कर्व को हम डिटेल में भी डिस्कस करते हैं, बट फिलहाल जस्ट ये याद रखिएगा कि इस कर्व के दो मेन पॉइंट होते हैं। वन इज कि आपके पास सेंटर लाइन जो है, दैट इज बेसिकली इंडिकेटिंग द एवरेज पॉइंट, और ये जो आपके डेटा पॉइंट्स इस सेंटर पॉइंट से जितना अवे लाइक कर रहे होते हैं, ये डेटा की वेरिएशन को इंडिकेट कर रहे होते हैं। सो बेसिकली दैट इज बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यू ऑफ योर प्रोसेस। सो जितना ये स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा होगा, आपकी ये जो कर्व है वो उतनी फ्लैटर होगी और उतनी सेंटर पॉइंट से अवे लाई कर रही होगी, और जितना ये स्टैंडर्ड डेविएशन रिड्यूस होता चला जाएगा, ये सेंटर पॉइंट के उतना करीब आती चली जाएगी। सो दैट इज बेसिकली इंडिकेटिंग कि हमारा प्रोसेस ज्यादातर नॉमिनल वैल्यू मीन टारगेट वैल्यू के करीब करीब रह रहा है। ओके, सो द अल्टीमेट टारगेट इन सिक्स सिग्मा इज टू रिड्यूस द प्रोसेस वेरिएशन, कि हम उन प्रोसेस की वेरिएशन को कैसे रिड्यूस करते हैं। बट बिफोर दैट लेट्स डिस्कस कि हम सिक्स सिग्मा को किस तरीके से जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। सो द फर्स्ट डेफिनेशन जो कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर इन डिटेल डिस्कस की थी, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द IPO डायग्राम, जिसमें हमने कहा था कि जो हमारा एक्स है, दैट इज जो इनपुट है, that could be the multiple factors, which is x1, x2, x3 up to so on, maybe x50 तक हम चले जाएं। So यहाँ पे x जो है वो different factors को indicate कर रहे होते हैं, और इनका हमने कहा था effect जो है वो हम y के ऊपर देख रहे होते हैं। So that means it could be factors or you can say causes हो सकते हैं, जो कि आपके output को means outcome perspective से हमने कहा था कि जो कि आपके outcome को affect कर रहे होते हैं। Okay, so that is basically you can say this is effect or your outcome, जो भी हम इसको कह सकते हैं। Like for example, अगर मैं assembly line के point of view से कहूँ, तो outcome मेरा could be the cycle time हो सकता है, कि वो कौन से factors हैं या वो कौन से causes हैं जो कि मेरी output को affect कर रहे होते हैं। Okay, उसके बाद फिर हमने कहा कि हम six sigma को जो है वो define कर सकते हैं। So last lecture के अंदर हमने in detail इस diagram के बारे में discuss किया था। So that mean हम सिक्स सिग्मा को y is equal to f of x के अकॉर्डिंग भी ले लेते हैं, और हम क्या कर रहे थे कि उन तमाम क्रिटिकल एक्सेस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे होते हैं जो कि हमारे y को अफेक्ट कर रहे होते हैं, ताकि हम अपने उन फैक्टर्स को जो है वो आइडेंटिफाई कर लें और उनकी ऑप्टिमम सेटिंग कर लें, ताकि हमारी जो y के अंदर वेरिएशन है वो कम से कम हो। y जैसे भी असेंबली प्रोसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने एग्जाम्पल ली कि आपका साइकिल टाइम जो है दैट कुड बी द आउटकम। ओके,
जो कि हमारी प्रोडक्ट के साथ अटैच है. सो आपका टारगेट ये है कि आप अपने साइकिल टाइम को मिनिमाइज करना चाहते हो, या हम डिफेक्ट रेट्स पर प्रोडक्ट को रिड्यूस करना चाह रहे हैं. सो दैट इज अनदर आउटकम. सो वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि आपके उस पर्टिकुलर जो आउटकम है उसको अफेक्ट कर रहे हैं, हम उनका क्या ऑप्टिमम लेवल रखें कि हमारी जो आउटकम है या जो डिफेक्ट रेट्स हैं वो मिनिमम से मिनिमम होते चले जाएं. द सेकेंड वे हम जो सिक्स सिग्मा को डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज सिक्स सिग्मा एज अ मेथोडोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से. सो वैसे तो सिक्स सिग्मा के अंदर जब भी हमने एग्जिस्टिंग प्रोसेस को इम्प्रूव करना है, तो ऑब्वियसली अगर आपने सिस्टम को इम्प्रूव करना है तो वी शुड हैव सम मेथोडोलॉजी, वी शुड हैव सम मैथड, जिस प्रोसीजर को या जिस मैथड को हम यूज करते हुए जो है वो अपने प्रोसेस को इम्प्रूव करेंगे. और वो मेथोडोलॉजी जब भी आपने अपने एग्जिस्टिंग सिस्टम को लेके चलना होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ डिमैक मेथोडोलॉजी, विच इज डिफाइन मेजर analyze, improve and control ke point of view se hai. So basically this DMAC methodology is based on PDCA cycle, that is planning, do, check it. Okay, so isi continuous improvement cycle ke point of view se ye DMAC methodology build ki hui hai. So aap DMAC ko bhi keh sakte ho, it's a continuous improvement methodology hai jisko hum adopt karte hue apne process ko improve kar rahe hote hain. Obviously we are doing something in a defined phase, we are doing something in a measure phase, we are doing something in analyze phase and so on. So wo kya cheeze hum kar rahe hote hain, kin tools ki hum help out le rahe hote hain, wo hum inshallah detail mein discuss karenge. So jaisa ki aapko ye wali diagram bhi yahan pe nazar aa rahi hai jisme hum define se start hue hain aur hum move kar rahe towards the control phase. Yahan pe main likh raha hu 30 plus inputs. So as you know that ki humne process ke point of view se kaha tha कि इनिशियली हम क्या कर रहे थे, हम ऑल पॉसिबल कॉजेस मीन ऑल पॉसिबल फैक्टर्स को लिस्ट आउट कर लेते हैं कि जो कि हमारे ख्याल के अंदर हमारे आउटकम को अफेक्ट कर रहे होते हैं. देन फिर हम जैसे जैसे नेक्स्ट स्टेज की तरफ मूव कर रहे होते हैं, तो हम इन एक्सेस में से मीन इन कॉजेस में से या इन फैक्टर्स में से फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे होते हैं जो कि बेस्ड ऑन द डेटा या बेस्ड ऑन द फैक्ट्स हमें ये इंडिकेट कर रहा हो कि ये वाले फैक्टर्स जो है वो वाकई हमारे आउटपुट को अफेक्ट कर रहे हैं. ओके, बाकी जो फैक्टर्स हैं वो अपनी आउटकम को अफेक्ट नहीं कर रहे थे. सो बेसिकली इस पूरे फेज के अंदर हम उन फैक्टर्स को जो है वो मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे होते हैं और हम ऑप्टिमम जो है वो फैक्टर्स की आइडेंटिफिकेशन की तरफ जा रहे होते हैं. सो वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 20 और 30 फैक्टर्स से हम स्टार्ट कर रहे होते हैं और हम उसको नीचे की तरफ आते चले जाते हैं और हमें इन द एंड पता चल रहा होता है कि लाइक जैसे हम साइकिल टाइम की एग्जांपल ले रहे थे, तो उसके ऊपर मे बी 4 से 8 या 3 से 6 फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट कर रहे हैं और हमें इन्हीं को ही इम्प्रूव या कंट्रोल करने की जरूरत है जिससे हमारा प्रोसेस जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा. ओके जी, द थर्ड वे के हम सिक्स सिग्मा को देख सकते हैं कि जी सिक्स सिग्मा बेसिकली एक सेट ऑफ टूल्स है. सो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इस मेथोडोलॉजी के अंदर डिफाइन को जब भी हम सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट को डिफाइन कर रहे होंगे तो उसके कुछ टूल्स होंगे किसी प्रोसेस को डिफाइन करने के लिए या प्रोजेक्ट को डिफाइन करने के लिए, सच एज प्रोजेक्ट चार्टर है या प्रोसेस फ्लो डायग्राम है या कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम है. सो वी आर यूजिंग मल्टीपल टूल्स इन ऑर्डर टू गेट दिस पर्टिकुलर मेथोडोलॉजी डन. ओके, सो दैट्स व्हाई हम कह रहे थे कि सिक्स सिग्मा इज अ सेट ऑफ टूल्स, क्योंकि उसमें कुछ क्वालिटी के टूल्स हम यूज कर रहे होंगे, कुछ मैनेजमेंट के टूल्स हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कुछ प्योर स्टैटिस्टिकल टूल्स को हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं. सो दैट्स व्हाई सिक्स सिग्मा कुड बी कॉल्ड एज अ सेट ऑफ टूल्स. सो अगर हम सिक्स सिग्मा को देखें इज एज अ मैट्रिक्स की फॉर्म के अंदर, तो मैट्रिक की पर्सपेक्टिव से क्या है कि दैट मीन कि हम प्रोसेस को मेजर के साइकिल के अंदर कर रहे होते हैं. सो जैसे हमें पता है कि सिक्स सिग्मा की एंटायर थ्योरी जो है वो बेसिकली बेस कर रही होती है प्रोसेस की वेरिएशन को रिडक्शन करने के लिए, और हम टारगेट किसको कर रहे होते हैं, डिफेक्ट्स को. सो हमें हमारे पास यहाँ पे जो मैट्रिक्स भी लिए जा रहे होते हैं, दैट इज DPMO, दैट इज डिफेक्ट्स पर मिलियन अपॉर्चुनिटी, या yield, yield basically use किया जा रहा होता है output के point of view से. So हम different तरह के matrix को ले रहे होते हैं in order to quantify के हमारे process का sigma level क्या है. Okay, whether we are working on 4 sigma level or of 3 sigma level or of 5 sigma level. So हमारे process का current sigma level क्या है. So ये वाले जो process sigma matrix हैं, ये बहुत ज़्यादा important इस cycle में आ जाते हैं ताकि हम इनिशियल कंडीशन देख सके कि करंटली हम किस सिग्मा लेवल के ऊपर हैं
और देन फिर हम किस तरीके से फैक्टर्स को इम्प्रूव करें, ठीक है, कि हम कौन कौन से फैक्टर्स को कंट्रोल कर लें कि हमारा जो सिग्मा लेवल है वो जो इनिशियल सिग्मा लेवल से इम्प्रूव कर जाएगा। सो आप इसको इम्प्रूवमेंट पर्पस के लिए भी मीन शो करवा सकते हो कि हमारा प्रोसेस इम्प्रूव हो गया है, और इनिशियल कंडीशन शो करने के लिए भी। सो दीज आर द फोर वे जो कि हम इंडिकेट कर सकते हैं कि जिस तरीके से हम सिक्स सिग्मा को डिफाइन कर सकते हैं। बट आउट ऑफ दीज फोर पर्सपेक्टिव ऑफ द सिक्स सिग्मा, आई रियली लाइक दिस पर्सपेक्टिव, दैट इज अ सिक्स सिग्मा एज अ फिलोसॉफिकल एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से है। और हमेशा याद रखिएगा जब भी आप सिक्स सिग्मा का प्रोजेक्ट कंडक्ट कर रहे हो, सो ऑलवेज कीप इन योर माइंड ऑफ दिस आईपीओ डायग्राम जो भी आपके उस प्रोजेक्ट की है, कि वो कौन कौन से कॉजेज हैं और हमारा आउटकम क्या है जिसको हम इम्प्रूव करने के लिए जा रहे हैं। एंड ऑब्वियसली इन तीनों चीजों को आप इसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर ही रहे होते हो। ओके, अब हम आ जाते हैं प्रॉपरली कि हम सिक्स सिग्मा को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सो मोटोरोला कंपनी ने सिक्स सिग्मा को डिफाइन किया, इट्स अ मैनेजमेंट साइंटिफिक मेथोडोलॉजी। ओके, सो मैनेजमेंट साइंटिफिक मेथोडोलॉजी इसलिए कहा गया क्योंकि इट्स हैवीली बेस्ड ऑन द डेटा। सो हम बहुत ज्यादा हैवी किस्म की स्टेटिस्टिक्स को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, सो दैट्स वाई वी आर टॉकिंग अबाउट बेस्ड ऑन फैक्ट्स की बेसिस के ऊपर हम बात कर रहे होते हैं, इस वजह से इसको कहा जाता है इट्स अ साइंटिफिक मेथोडोलॉजी। और किस पर्पस के लिए यूज की जा रही होती है, इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द प्रोडक्ट एंड प्रोसेस। ओके, इन ऑर्डर टू क्रिएट द ब्रेक थ्रू इम्प्रूवमेंट इन द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एज वेल एज द कस्टमर सेटिस्फेक्शन। सेम इज द एएसक्यूपी सिक्स सिग्मा को इसी तरीके से डिफाइन करता है, विच इज अमेरिकन सोसाइटी ऑफ क्वालिटी, कि अगर हम अपने प्रोसेस की वेरिएशन को रिड्यूस कर देंगे तो विच लीड्स टू द रिडक्शन इन द डिफेक्ट्स, इम्प्रूव इन प्रॉफिट एज वेल एज एम्प्लॉय की सेटिस्फेक्शन भी कर रहा होगा और आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी भी इंप्रूव हो रही होगी। सो अभी तक जो डिस्कशन से हमें क्लियर कट इंडिकेशन आ रही है, दैट इज कि हमने अपने प्रोसेस की वेरिएशन को रिड्यूस करना है, मीन नंबर ऑफ डिफेक्ट्स को हमने रिड्यूस करना है। ओके, एक और चीज याद रखिएगा, सो देयर इज अ बिट डिफरेंस बिटवीन डिफेक्ट एज वेल एज द डिफेक्टिव। सो सिक्स सिग्मा डिफेक्ट्स की रिडक्शन की बात कर रहा होता है। ओके, डिफेक्ट और डिफेक्टिव में डिफरेंस ये होता है कि जब हम कहते हैं कि कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो डिफेक्टिव है, सो दैट माइट बी पॉसिबल कि उस डिफेक्टिव प्रोडक्ट के अंदर कोई एक डिफेक्ट हो या 10 डिफेक्ट हो या 15 डिफेक्ट्स हो। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम बॉल पॉइंट की एग्जांपल लें, तो बॉल पॉइंट के अंदर मे बी उसकी कैप डिफेक्ट हो, मे बी उसका डायमीटर ठीक ना बना हो, दैट इज अनदर डिफेक्ट, मे बी उसकी लेंथ ठीक ना बनी हो, दैट इज अनदर डिफेक्ट, मे बी उसकी जो राइटिंग निप होती है वो ठीक नहीं बनी, सो दैट इज अनदर डिफेक्ट। सो ओवरऑल एक डिफेक्टिव प्रोडक्ट के अंदर मल्टीपल डिफेक्ट्स हो सकते हैं या एक डिफेक्ट हो सकता है। सो डिफेक्ट इज बेसिकली द नंबर ऑफ डिफेक्ट्स ऑन अ सिंगल डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स, राइट। सो नंबर ऑफ डिफेक्ट्स की बेसिस के ऊपर हम प्रोडक्ट को डिफेक्टिव कह रहे होते हैं, वो मे बी एक डिफेक्ट हो या मल्टीपल डिफेक्ट्स हमारे पास आ रहे होते हैं। सो सिक्स सिग्मा की थ्योरी के अंदर हम डिफेक्ट्स को फोकस कर रहे होते हैं इंस्टेड ऑफ डिफेक्टिव। ओके, अब हम आ जाते हैं सिक्स सिग्मा को जब हम डिफाइन करते हैं एज अ मेजर। सो क्योंकि सिक्स सिग्मा की जो थ्योरी है दैट इज मेनली बेस्ड ऑन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, जैसे हमने स्लाइड नंबर 1 पे भी देखा था कि इट इज लुक लाइक अ बेल कर्व। ओके, सो इस तरह बेल कर्व है जिसको हम सिमेट्रिकल कर्व भी कहते हैं। और ये जो हमें ऊपर डायग्राम नजर आ रही है, दिस इज अ शॉर्ट टर्म वर्जन, ठीक है। सो दिस इज अ शॉर्ट टर्म वर्जन, या इसको आप कह सकते हैं दिस इज अ स्टैटिस्टिकल वर्जन ऑफ अ नॉर्मल कर्व। स्टैटिस्टिकल वर्जन या शॉर्ट टर्म का क्या मतलब है कि सेंटर पॉइंट में हमने कहा था कि इस कर्व का जो सेंटर वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू म्यू, और यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ इज इक्वल टू टी। सो टी क्या है, दैट इज अ टारगेट वैल्यू। ओके, लेट से मैं हम एग्जाम्पल लेते हैं फ्रॉम अ टेक्सटाइल सेक्टर कि हम एक जीन्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और जीन की लेंथ जो है लेट से फॉर एग्जाम्पल वो है जी 10 inches, जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे। ओके जी, इट्स अ 10 inches, और हम क्या कह रहे हैं कि उसके प्रोसेस के अंदर जो हम एवरी टाइम जो टारगेट हमें दिया गया दैट इज ऑल्सो 10 inches। ओके, कि कस्टमर कह रहे हैं कि मुझे 10 inch की लेंथ की जीन्स चाहिए और हमारे प्रोसेस का जो मीन आ रहा है वो भी 10 inch आ रहा है, सो दैट मीन वी आर हिटिंग द टारगेट वैल्यू। ओके, कि जो कस्टमर ने हमें लेंथ दी एग्जैक्टली हमारा प्रोसेस थी उतने ही ऑन एवरेज टारगेट को प्रोड्यूस करने में सक्सेसफुल हो रहे हैं। सो दैट इज अ बेसिक अजम्पशन इन अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव। ओके, अब फिर हम देते हैं कि ओके अब हमारे प्रोसेस के अंदर वेरिएशन कितनी आ रही है। सो लेट्स से हमने अपने प्रोसेस से जो डेटा कलेक्ट किया और हमें पता चला कि मेरे प्रोसेस के अंदर जो
वेरिएशन आ रही है वो 2 इंच की जो है वो वेरिएशन आ रही है. सो 2 इंच का मतलब ये है कि समटाइम्स जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वो 8 इंच की बना रहे हैं, समटाइम हम 12 की बना रहे हैं. सो दैट इज बिटवीन 8 एंड 12 के दरमियान में हम लाए कर रहे थे. ओके अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि ये जो ये सिग्मा की वैल्यू को तो हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया वो 2 है. अब ये -1 + 1 क्या है, -2 + 2 क्या है, दैट इज बेसिकली इंडिकेटिंग हाउ मेनी स्टैंडर्ड डेविएशन योर प्रोसेस इज लाइंग अवे फ्रॉम योर मीन वैल्यू. ठीक है जी. सो इसको हम स्टेटिस्टिकली क्या कहलाते हैं, म्यू प्लस माइनस जी सिग्मा. सो दिस जी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज बेसिकली होता है एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा. सो फिलहाल जस्ट ये याद रखिएगा कि ये जो z का आंसर है दैट इज -1 -2 और +1 +2. ओके उसको इंडिकेट कर रहा होता है. और z की इंटरप्रिटेशन क्या होती है, दैट इज द नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन योर प्रोसेस मीन इज सॉरी योर डेटा पॉइंट इज अवे फ्रॉम योर मीन. ओके सो हमने करना बेसिकली क्या होता है कि आपने अपने स्टैंडर्ड डेविएशन को अगर रिड्यूस करोगे तो आपका ये जो z की वैल्यू है सो दैट इज बेसिकली राइट नाउ इंडिकेटिंग द सिग्मा लेवल. सो आपका सिग्मा लेवल ऑटोमेटिकली इंप्रूव करेगा. इसका मतलब क्या है, ओके इसका मतलब बेसिकली ये है कि बट बिफोर गोइंग टू कैलकुलेट द सिग्मा लेवल सो लेट्स डिस्कस इन अ शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू. अगर हम कहते हैं कि अगर आपके प्रोसेस के अंदर हम टारगेट को हिट कर रहे हैं और 1 सिग्मा लेवल वेरिएशन जो है वो लाई कर रही है, ओके स्टैंडर्ड डेविएशन मल्टीप्लाई बाय 1 सिग्मा लेवल कर रही है, सो दैट मीन आउट ऑफ 100 हम 68.27% जो है वो कन्फॉर्मिंग यूनिट बना रहे हैं और आउट ऑफ 1 मिलियन हम इतने डिफेक्टिव यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं. ओके दैट इज नॉट द डिफेक्टिव, बेसिकली दैट इज डिफेक्ट्स. ओके इसी तरीके से 2 सिग्मा लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से 95.45% हम कन्फॉर्मिंग यूनिट बना रहे हैं और आउट ऑफ 1 मिलियन हम इतने डिफेक्ट्स बना रहे हैं. और अगर हम 6 सिग्मा के ऊपर जाएं तो दैट इज 99.99 so on and out of 1 million हम 0 defects produce कर रहे हैं. ठीक है जी, that is again in terms of short term. जब हम short term की बात कर रहे हैं it mean हमारा process mean जो है वो target को hit कर रहे हैं. okay अब मैं ये जो बात कर रहा था कि हम sigma level को कैसे improve कर सकते हैं अपने process का, जैसे हम example ले रहे थे अपने jeans की length के point of view से कि let's say वो 10 inches है और target value भी 10 inch ही customer ने हमें दी हुई थी, हम target को hit कर रहे हैं बट इनिशियली हमारे प्रोसेस के अंदर जो वेरिएशन थी वो 2 सिग्मा थी. सो लेट्स कैलकुलेट दीज लिमिट्स. ओके वो लिमिट हम कैसे निकालेंगे, म्यू प्लस माइनस 1 सिग्मा करके म्यू प्लस माइनस 2 सिग्मा. इसी तरीके से म्यू प्लस माइनस लेट्स से मैं 3 सिग्मा तक जो है वो वैल्यूज को कैलकुलेट करता हूँ व्हेन सिग्मा इज 2. सो व्हेन सिग्मा इज 2 तो ये रेंज क्या आ जाएगी, 2. ओके और यहाँ पे क्या 10, एक दफा माइनस करोगे तो वो आ जाएगी लोअर लिमिट 8 आ जाएगी, अपर लिमिट 12 आ जाएगी. के इसी तरीके से इसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 × 4 सो दैट वुड बी 6 माइनस करके और प्लस करके कितना आ जाएगा जी, 14. नेक्स्ट जब हम करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज 6 सो दिस वुड बी 4 एंड दिस वुड बी 16 राइट. एंड दिस इज एट 1 सिग्मा लेवल, दिस इज एट 2 सिग्मा लेवल, दिस इज एट 3 सिग्मा लेवल हमारे कर्व की वेरिएशन को इंडिकेट कर रहा है. सो दैट इज this is basically right now 4 and this is basically 16 को indicate कर रहा है. अब मैं क्या करता हूँ, मैंने अपने process की variation को जो है वो reduce कर लिया. let's say कि मैंने कुछ corrective actions लिए और मेरे process के अंदर जो variation आ रही थी कि कभी हम 12 इंच की जीन की लेंथ बना पा रहे थे और कभी हम जो है वो 8 इंच की बना पा रहे थे, कभी 9 इंच की बना पा रहे थे, कभी 11 की बना पा रहे थे. सो हमने क्या कर दिया, इस variation को कुछ measures हमने लिए और इस वेरिएशन को हम रिड्यूस करने में सक्सेसफुल हो गए. सो आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन लेवल है, मीन जो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू है, वो हमने वेरिएशन रिड्यूस कर ली. अब मैं अगर कर्व की आउटर वैल्यूज निकालता हूँ, ओके सो व्हेन स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 1, अब मेरे पास रेंज क्या आ जाएगी, दैट वुड बी 9 to 11 आ जाएगी, क्योंकि म्यू जो है वो 10 है, सिग्मा 1 है, तो ये वैल्यूज 9 आ गई. उसके बाद हमारे पास क्या है, अब मैं इधर आता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 8 और 12. ओके अब यहाँ पे देखिएगा कि जब आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू ज्यादा थी तो आपका 1 सिग्मा लेवल के ऊपर ये रेंज थी, जबकि जैसे हमने स्टैंडर्ड डेविएशन को रिड्यूस कर लिया, ओके तो आप यू कैन सी दैट कि यही वैल्यू जो है वो आपको 2 सिग्मा लेवल के ऊपर आ रही है. सो दैट मीन योर सिग्मा लेवल इज इम्प्रूव एज यू आर एबल टू रिड्यूस द आंसर ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन. मीन अगर हम अपने प्रोसेस की
वेरिएशन को रिड्यूस करने में सक्सेसफुल हो जाएं, तो आपका सिग्मा लेवल ऑटोमेटिकली इंप्रूव करता चला जाएगा। सो हमारा अल्टीमेट टारगेट क्या होता है सिक्स सिग्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हमने अपने सिग्मा लेवल को इंप्रूव करना है। और सिग्मा लेवल को इंप्रूव हम कैसे करेंगे कि अगर हम अपने प्रोसेस की वेरिएशन को रिड्यूस कर दें, ठीक है। सो टारगेट पॉइंट इज नॉट द मेजर इशू, द मेजर इशू इज टू रिड्यूस द प्रोसेस वेरिएशन, के कभी हमसे जीन की लेंथ जो है वो 12 बन रही है, कभी 8 बन रही है, कभी 9 बन रही है। सो हाउ वी कैन कंट्रोल दिस वेरिएशन, कि वो क्या कॉजेज है जिसकी वजह से ये वेरिएशन आ रही है। सो रिमेंबर दैट जब भी आपने अपने सिग्मा लेवल को इंप्रूव करना है, that is basically indicating your performance level. So you have to focus on the variation in the process, that is answer of the standard deviation. If you able to reduce the this standard deviation, or you can say if you are able to reduce the number of defects, so in the end aapka sigma level jo hai wo automatically improve kar raha hoga. Ab hum aa jate hain 1.5 shift sigma theory basically kya hai, which is also known as long term process. Kya hum apne process ko लॉन्ग टर्म एंगल के अंदर देख रहे हैं। इस थ्योरी के मुताबिक बेसिकली व्हिच इज गिवन बाय द मोटोरोला कंपनी, दे सेड कि आपका पॉसिबल ही नहीं है कि किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए या कोई भी हम प्रोसेस लें कि आपका जो प्रोसेस मीन है वो एग्जैक्टली टारगेट को हिट कर रहा हो। आपका जो प्रोसेस मीन है वो शिफ्ट करता है आइदर लेफ्ट साइड की तरफ और आइदर राइट साइड की तरफ। तो आपके जो प्रोसेस मीन है वो शिफ्ट करके या तो यहाँ पे आ जाएगा या यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। सो बेस्ड ऑन दिस थ्योरी कि आपका जो प्रोसेस मीन है इन अ लॉन्ग टर्म वो शिफ्ट करके आइदर राइट और लेफ्ट, बट अल्टीमेट टारगेट क्या है कि हम ये बेसिकली इन मोटोरोला कंपनी ने अलाउ कर दिया। दे सेड कि हमने मोर देन 100 कंपनीज के प्रोसेसेस को स्टडी की है और हम यहाँ इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि वी कैन गिव द अलाउंस कि ये प्रोसेस मीन शिफ्ट कर सकता है अप टू 1.5 सिग्मा आइदर राइट और लेफ्ट। सो इसकी कोई थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन तो अवेलेबल नहीं है, बट बेस्ड ऑन द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दे सेड कि हमने क्योंकि मल्टीपल प्रोसेसेस को स्टडी किया है जिसकी वजह से आपका प्रोसेस मीन शिफ्ट कर सकता है और वो शिफ्ट जो उन्होंने अलाउ किया वो अप टू 1.5 सिग्मा तक अलाउ किया, बट अगर आपका प्रोसेस मीन इससे ज्यादा हो रहा है सो देन यू नीड टू फिक्स दिस पर्टिकुलर कंपोनेंट। अगर वो 1.5 के अंदर अंदर है देन आपको उसके पॉइंट ऑफ व्यू से फिलहाल वरीड होने की जरूरत नहीं है। द ओनली फोकस इज टू रिड्यूस द आंसर ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन मीन टू रिड्यूस द नंबर ऑफ डिफेक्ट्स। सो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम क्या हम 1 सिग्मा लेवल पे काम कर रहे हैं, तो जब हम टारगेट पे थे अगर हम 68% गुड यूनिट्स बना रहे थे तो शिफ्ट की बेसिस के ऊपर आपके पास सिर्फ 30% रह जाएंगे, और 6 सिग्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से आप आउट ऑफ 1 मिलियन 3.4 डिफेक्ट्स पर मिलियन प्रोड्यूस कर रहे हो, ओके। जबकि यहाँ पे क्या था, जीरो ऑलमोस्ट डिफेक्ट है। सो दैट्स वे नॉर्मली जब हम सिक्स सिग्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे होते हैं, जब भी आप सिग्मा लेवल अपने प्रोसेस का रिपोर्ट कर रहे होते हो तो उसमें आप 1.5 ऐड करके रिपोर्ट कर रहे होते, मीन उसमें आप शिफ्ट को बेसिकली ऐड कर लेते हो या उसमें सब कर लेते हो। सो बेसिकली आप ये कह सकते हो कि जब आपका प्रोसेस जो है वो 6 सिग्मा लेवल पे काम कर रहा है, अगर मैं इसको इस एंगल में देखूं तो एक्चुअली वो 4.5 सिग्मा लेवल पे काम कर रहा है। रीजन इज कि मैंने उसमें ऐड और सब्ट्रैक्शन का जिक्र किया हुआ, क्योंकि आपका प्रोसेस का मीन शिफ्ट हो चुका हुआ इन अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, ठीक है जी। सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया कि जब भी हमने सिग्मा लेवल की रिपोर्टिंग करनी है तो आपने उसमें 1.5 ऐड करके रिपोर्ट करना है। दैट इज बेसिकली इंडिकेटिंग कि हमारा प्रोसेस जो है उसके अंदर 1.5 सिग्मा शिफ्ट जो है वो हमने ऐड किया हुआ है, ओके। सो अगर आप बेसिकली रिपोर्ट कर रहे हो कि मेरा जो सिग्मा लेवल है वो 5 है, तो हम ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि अगर हम शॉर्ट टर्म वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 5 में से आप 1.5 को माइनस कर दो, सो एक्चुअली ये 3.5 सिग्मा लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं अगर हम टारगेट को अज्यूम कर लेंगे, ओके जी। अब हम आ जाते हैं कि सिग्मा लेवल हमने कैलकुलेट कैसे करना है, ठीक है। सो सिग्मा लेवल बेसिकली क्या है, जैसे हमने कहा कि म्यू प्लस माइनस जी सिग्मा, ओके, और जी की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही थी, 1, 2, 3 अप टू 6 तक, 6 सिग्मा लेवल तक हम बात कर रहे थे। सो बेसिकली हाउ वी विल कैलकुलेट
बेस्ड ऑन द गिवन डाटा। सो फिलहाल जो हम सिग्मा लेवल कैलकुलेट करेंगे कि अगर हमारे पास डिस्क्रीट डाटा अवेलेबल है, डिस्क्रीट डाटा से क्या मुराद है, मीन अगर हमारे पास काउंटेबल डाटा हो जिसको हम काउंट कर सके, लाइक जैसे मैं काउंट कर सकता हूँ कि नंबर ऑफ डिफेक्ट्स मेरे प्रोसेस के अंदर कितने आ रहे हैं। सो अगर काउंटेबल डाटा हो तो हम सिग्मा लेवल को कैसे मेजर कर सकते हैं, ये कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। बट जब हमारे पास कॉन्टिन्यूस डाटा अगर होगा, सो जो कि आप कहते हो कि वो कॉन्टिन्यूसली बिहेव कर रहा हो, मीन कॉन्टिन्यूस अगर डाटा होगा जैसे लेंथ है, वेट है, ओके, डायमीटर ऑफ अ प्रोडक्ट है, सो उस सिनेरियो के अंदर सिग्मा लेवल कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज के लेक्चर के अंदर जो हम सिग्मा लेवल कैलकुलेट कर रहे हैं वो हम कैलकुलेट करें बेस्ड ऑन द डिस्क्रीट डाटा। ठीक है जी। सो सिग्मा लेवल बेसिकली इंडिकेट क्या कर रहा होता है, इट्स अ मैट्रिक विच इज इंडिकेटिंग कि हमारा प्रोसेस कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सो हायर द सिग्मा लेवल मीन हायर द जी इज, दैट इज इंडिकेटिंग क्या प्रोसेस के अंदर स्टैंडर्डाइजेशन उतना काम है। सो ऑब्वियसली जितना हाई सिग्मा लेवल आएगा दैट इज ड्यू टू कि आपके स्टैंडर्डाइजेशन मीन प्रोसेस के अंदर वेरिएशन उतनी कम है, आपका प्रोसेस उतना ही अच्छा कैपेबल है इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। सो इन ऑर्डर टू कंप्यूट आउट द सिग्मा लेवल हम बेसिकली इन डिफरेंट डेफिनेशंस को इस्तेमाल कर रहे होंगे, इन डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को। सो डिफेक्ट्स और डिफेक्टिव में मैंने आपको ऑलरेडी डिफरेंस बता दिया। सो हम यहाँ पे जब सिग्मा लेवल ले रहे होते हैं हम इसमें डिफेक्ट्स को कंसिडर कर रहे होते हैं। सो इसमें एक और चीज जो इम्पोर्टेंट है दैट इज अपॉर्चुनिटी। सो अपॉर्चुनिटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी होता है द नंबर ऑफ वेज टू सी द डिफेक्ट, ओके, या इसको आप कह सकते हो नंबर ऑफ इंस्पेक्शन पॉइंट्स। सो लाइक फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो और उसके जो टोटल कॉम्पोनेंट है वो लेट से 100 कॉम्पोनेंट्स है, लेकिन उस प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो मे बी 15 कॉम्पोनेंट्स के ऊपर ज्यादा बेस कर रही हो या वो क्रिटिकल कॉम्पोनेंट हो, तो हम कहते हैं कि मुझे इन 15 कॉम्पोनेंट्स को एट द एंड जरूर देखना है इन ऑर्डर टू चेक द प्रोडक्ट क्वालिटी। सो वो जो 15 कॉम्पोनेंट्स होंगे दैट इज अ अपॉर्चुनिटी। सो याद रखिएगा अपॉर्चुनिटी क्या है, द नंबर ऑफ वे टू चेक और टू सी द डिफेक्ट्स। ठीक है जी। सो अभी हम इनको विद एग्जाम्पल जो है वो कैलकुलेट भी करते हैं। सो सबसे पहले मुझे जो एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ वो दैट इज अ पेयर। सो पेयर के अंदर हम दो चप्पल्स को कंसिडर कर रहे हैं और हमने कहा है कि हम 100 पेयर्स हमने प्रोड्यूस किए और इन 100 पेयर्स में हमें 10 डिफेक्ट्स मिले। 10 डिफेक्ट का क्या मतलब है, मे बी पॉसिबल है कि हमें एक ही चप्पल के ऊपर ये 10 के 10 डिफेक्ट मिल गए, या मे बी पॉसिबल है कि दो डिफेक्ट इसमें हो, दो डिफेक्ट इसमें हो, एक डिफेक्ट किसी और पार्ट में हो। सो ओवरऑल जो हमने 100 पेयर्स की इंस्पेक्शन की है तो हमें जो टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट्स मिले हैं वो 10 मिले हैं। तो अब हमने लेना है जी पर यूनिट हमें कितने में, पर यूनिट मीन पर पेयर के अंदर हमें डिफेक्ट्स पर यूनिट कितने हैं। सो यहाँ पे यूनिट जो है वो एज अ पेयर की शक्ल में लिया जा रहा है। सो द फॉर्मूला क्या आ जाएगा, दैट इज टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट इंस्पेक्टेड। ठीक है, दैट वुड बी द डिफेक्ट्स पर यूनिट आ जाएगा। अब मुझे निकालना है डिफेक्ट्स पर अपॉर्चुनिटी। ओके, सो अपॉर्चुनिटी के से मुराद क्या है, जैसे मैंने आपको कहा था नंबर ऑफ वेज टू चेक द डिफेक्ट्स। अगर मैं एक चप्पल को जो है वो एज अ वन अपॉर्चुनिटी कंसिडर करूंगा, मीन इस एक के ऊपर जो है नंबर ऑफ डिफेक्ट्स को मैं काउंट करूंगा, मे बी पॉसिबल है कि आप अपॉर्चुनिटीज को बढ़ा भी सकते हो कि मीन आप कहो कि ये जो बॉटम वाला पार्ट है दैट इज अ सेपरेट कॉम्पोनेंट और ये जो आपके पास रबड़ है ऊपर वाली, ओके, ये एज अ सेपरेट कॉम्पोनेंट है, तो फिर टोटल 4 अपॉर्चुनिटीज बन जाएंगी। सो आई वुड से कि आप सिर्फ और सिर्फ क्रिटिकल कॉम्पोनेंट्स को ही जो है वो अपॉर्चुनिटी के अकॉर्डिंगली लें, क्योंकि जितनी आप अपने इंस्पेक्शन पॉइंट्स या नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन ऑर्डर टू चेक द डिफेक्ट्स को इंक्रीज करोगे, ऑब्वियसली आपका सिग्मा लेवल उतना रिड्यूस भी होगा। सो आपने नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी को बड़ा केयरफुली जो है वो डिसाइड करना है। सो यहाँ पे मैंने जो नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज दी है वो ईच चप्पल एज अ वन अपॉर्चुनिटी के तौर पर मैं कंसिडर कर रहा हूँ। सो डिफेक्ट पर अपॉर्चुनिटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, दैट इज नंबर ऑफ डिफेक्ट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डिफेक्ट्स अपॉर्चुनिटी पर यूनिट। ओके, सो वो हमारे पास क्या कहते हैं, 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, क्योंकि आपके पास 100 पेयर्स थे, ईच पेयर में 2 हैं, सो आपके पास डिफेक्ट्स पर अपॉर्चुनिटी क्या गया, दैट इज 0.05। अब हम कैलकुलेट करें डीपीएमओ व्हिच इज कॉल्ड एज डिफेक्ट पर मिलियन अपॉर्चुनिटी। वो हम क्या करेंगे, सिंपल डीपीओ दैट इज डिफेक्ट पर अपॉर्चुनिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 मिलियन से। सो दैट मीन वो हमें ये कह रहे हैं कि अगर हम प्रोसेस को कुछ नहीं छेड़ते,
एज इट इज हम चलते रहते हैं, तो आउट ऑफ 1 मिलियन आप जो है वो 50,000 नंबर ऑफ डिफेक्ट्स बेसिकली प्रोड्यूस कर रहे होंगे। ओके, अब हमने यील्ड कैलकुलेट करनी है। सो वन वे इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द यील्ड इज सिंपली 1 - DPU कर दो, सो दैट इज 95% हम कंफॉर्मिंग यूनिट बना रही है और बाकी 5% जो है वो हम नॉन कंफॉर्मिंग यूनिट बना रहे हैं। सो मुझे अब सिग्मा लेवल कैलकुलेट करना है। सो सिग्मा लेवल कैलकुलेट करने के 2 मेथड हैं, आइदर यू कैन यूज द टेबल और आइदर यू कैन यूज द एक्सेल। ओके, अगर मैं एक्सेल ले रहा हूं तो आपने क्या करना है, एक्सेल को अगर आप ओपन करें और उसमें आप फॉर्मूला लिखें इक्वल नॉर्म इनवर्स, यहाँ पे यील्ड की जगह पे क्या आ जाएगा जी 0.95, ओके प्लस 1.5, तो आपको वो सिग्मा लेवल बता देगा कि ये वाला जो प्रोसेस है वो 3.145 सिग्मा लेवल के ऊपर काम कर रहा है। सो रिमेंबर दैट इसमें हमने वो शिफ्ट थ्योरी ऐड कर दी हुई है। ओके, अगर मैं इसको माइनस करूं तो ये मे बी 1 point something के ऊपर जो है वो काम कर रहा है। ठीक है, सो रिमेंबर दैट जब भी आपने सिग्मा लेवल रिपोर्टिंग करनी है तो आपने 1.5 को ऐड करके करना है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट, हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि हमारा जो प्रोसेस का मीन है वो शिफ्ट कर चुका हुआ है। सो दैट इज अ वे हाउ टू रिपोर्ट द सिग्मा लेवल। एनदर वे इज कि हम क्या करें कि हम टेबल यूज करें और टेबल के अंदर हमें DPMO की वैल्यू के अगेंस्ट सिग्मा लेवल की वैल्यू दी हुई होती है। सो DPMO कितना है, 50,000 हमारे पास है। सो ये मेरे पास सिग्मा लेवल टेबल है, आप जो है वो गूगल के ऊपर जाके सर्च आउट भी कर सकते हो सिग्मा लेवल कन्वर्जन टेबल, तो आपको वो मिल जाएगा। सो क्योंकि 50,000 था, दैट वुड बी लाई इन बिटवीन ओवर हेयर, सो इट मीन मेरा जो सिग्मा लेवल है वो इसके दरमियान लाई करा होगा 3.1 या 3.2 के अकॉर्डिंगली। सो रिमेंबर दैट ये जो सिग्मा लेवल अगेन हमें उन्होंने इंडिकेट किया हुआ है, ये आफ्टर 1.5 सिग्मा शिफ्ट थ्योरी ऐड करके बताया हुआ है। सो अगर आप एग्जैक्ट सिग्मा लेवल निकालना चाह रहे हो तो आई वुड से यूज द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ओके, और इस फॉर्मूला के जरिए आप एग्जैक्ट सिग्मा लेवल कैलकुलेट कर सकते हो। सो लेट्स डू सम मोर एग्जांपल्स। सो यहाँ पे हमारे पास के एक टेलीकॉम नेटवर्क का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, उसमें हम कह रहे हैं कि टेलीफोन नेटवर्क जो है, टेलीकॉम नेटवर्क में अंदर 5,000 मिनट्स ऑफ डाउन टाइम है। सो डाउन टाइम जो है वो हमारे लिए एज अ डिफेक्टिव यूनिट है या डिफेक्ट है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं इट्स अ क्रिटिकल टू क्वालिटी डाउन टाइम। सो 2005 के अंदर हमने कहा कि जी इतने मिनट तक वो डाउन टाइम रहा। सो मेरे पास जो मेजर है वो मैं मिनट्स की शक्ल में ले रहा हूँ। सो अगर आप सेकंड की शक्ल में लोगे देन डिफरेंट ऑप होगा, फिर आपको इसको मल्टीप्लाई बाय 60 करके सेकंड्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। और अपॉर्चुनिटी में क्या ले रहा हूँ, अपॉर्चुनिटी में ये ले रहा हूँ कि अगर मेरा नेटवर्क 1 मिनट तक डाउन रहेगा तो मैं उसको कंसिडर करूंगा इट्स अ डिफेक्ट, ओके। अगर आप कहोगे कि नहीं मैं अपॉर्चुनिटी लेना चाह रहा हूँ सेकंड्स को, फिर अपॉर्चुनिटी 1 नहीं आएगी बल्कि क्योंकि डेटा मिनट्स में है तो यहाँ पे आपकी अपॉर्चुनिटी फिर 60 हो जाएगी। बट क्योंकि हम ले रहे हैं कि अगर 1 मिनट तक आपका सिस्टम जो है वो डाउन रहता है तो हम कहेंगे कि वो डिफेक्ट है, सो दैट्स व्हाई अपॉर्चुनिटी इज इक्वल टू 1 हमारे पास आ गया। ओके, सो नंबर ऑफ डिफेक्ट्स हमें पता है कि दैट इज 50 मिनट्स तक डाउन टाइम है और हम इस साल के लिए मिनट्स कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। सो वी नो दैट इन अ 1 year 365 डेज होते हैं, 1 डे में 24 आवर्स और 1 आवर के अंदर 60 मिनट्स होते हैं। सो इतने मिनट तक जो है वो टोटल हमने प्रोडक्शन बेसिकली की है। प्रोडक्शन से मुराद है कि इतने मिनट तक हमारा जो नेटवर्क है वो ऑनलाइन रहना चाहिए लेकिन वो रह रहे 500 मिनट तक डाउन टाइम रह रहा है। सो बेस्ड ऑन दिस डेटा हम DPU, DPO, DPMO, yield और सिग्मा लेवल कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके जी, सो अब हम कर यहाँ से हमें पता क्या चल रहा है, DPU हमारे पास क्या होता है, दैट इज नंबर ऑफ डिफेक्ट्स बीइंग 500 डिवाइडेड बाय टोटल, सो दिस इज द नंबर ऑफ डिफेक्ट्स पर यूनिट आ जाएगा, मीन पर मिनट। ओके, सो 1 मिनट के अंदर कितनी देर तक वो डाउन रह रहा है। सो देन DPO, क्योंकि हम 1 मिनट को एज अ 1 अपॉर्चुनिटी ले रहे हैं इसलिए मल्टीप्लाई बाय 1 ही हमने किया। सो जैसे मैंने आपको बताया अगर आप सेकंड्स लोगे तो यहाँ पे 60 करना पड़ेगा। देन DPMO निकालने के लिए हमने DPO मल्टीप्लाई बाय 1 मिलियन कर दिया। यील्ड निकालने के लिए 1 - DPO, सो दिस इज अ यील्ड, अगेन आई हैव यूज्ड द एक्सेल टू कैलकुलेट द सिग्मा लेवल। सो ये कंपनी 4.6 सिग्मा लेवल पे काम कर रही है। सो नेक्स्ट टेक अनदर एग्जांपल, इसमें हमारे पास के जी टोटल जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं वो इतनी कर रहे हैं हार्ड डिस्क की, हमने 8 इंडिविजुअल चेक्स रखे हुए हैं। सो दैट इज द अपॉर्चुनिटी कि हमने टेस्ट क्वालिटी करनी है 8 different points के ऊपर। सो दैट इज द नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज। और हमने क्या कर दिया,
जो आउट ऑफ दिस इतने जो है वो यूनिट्स को हमने रिजेक्ट किए बेस्ड ऑन दीज क्वालिटी चेक्स. ओके, अब हम अगेन बेस्ड ऑन दिस गिवन डाटा जो है वो हम सिग्मा लेवल कैलकुलेट कर रहे हैं. क्लियर जी? ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. इसमें हमारे पास क्या है जी कि दैट इज अ बिलिंग प्रोसेस है. ओके, और इस बिलिंग प्रोसेस के अंदर वो कह रहा है द टीम वांट्स टू हैव टू करेक्ट द बिल सेंड टू द कस्टमर एंड दे हैव डिफाइंड वन अपॉर्चुनिटी. सो वन अपॉर्चुनिटी क्या है कि वो करेक्टली डिलीवर हुआ या नहीं हुआ. ओके, सो 250 बिल्स टोटल हमने डिलीवर किए जिनमें से 60 करेक्टली डिलीवर नहीं हुआ, मीन 60 डिफेक्ट्स हैं. सो दिस प्रोसेस इज वर्किंग एट 2.21 सिग्मा लेवल. सो ये फॉर्मूलाज एग्जैक्टली वही सेम है. सो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इन चीजों को आइडेंटिफाई करना एंड देन यूज अ फॉर्मूलाज इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द सिग्मा. सो रिमेंबर दैट, जैसे मैंने पहले बताया कि हम अभी डिस्क्रीट डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से सिग्मा लेवल की कैलकुलेशन कर रहे हैं. ओके, इस एग्जांपल के अकॉर्डिंगली क्या है कि हम टोटल 500 जो है वो ऑर्डर डिलीवर कर रहे हैं. इसमें हमने दो अपॉर्चुनिटीज रखी हुई है. वन इज अ डिलीवरी लेट के हमने जो है वो लेट डिलीवर किया है, दूसरा है इनकरेक्ट ऑर्डर्स. ओके, सो दैट मीन जो टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट्स हो जाएंगे वो हो जाएगा 41 प्लस 17 58, टोटल नंबर ऑफ यूनिट 500, नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज 2 एंड दिस प्रोसेस इज वर्किंग ऑन 3.07 सिग्मा. ओके, इसी तरीके से ये हमारे पास एक और एग्जांपल है जिसमें हमारे पास जो टोटल साइट्स हैं वो 100 हैं. ठीक है जी, और आप कह लेंगे हमने क्या है कि हमने 100 साइट्स की जो है वो इंस्पेक्शन करनी है. आपके पास टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट्स कितने हैं, दैट इज दिस वन. ओके, आपके पास आ रहा है और जो हम टोटल चेक्स लगा रहे हैं दैट इज अ 50. सो नंबर ऑफ डिफेक्ट्स इनको जमा किया तो वो 300 आ गया. नंबर ऑफ यूनिट्स हमने बेसिकली 100 साइट्स की इंस्पेक्शन की और उन 100 साइट्स की इंस्पेक्शन के बाद हमें 50 तरह के जो है वो डिफेक्ट्स जो है वो हमने लिस्ट डाउन किया हुआ है. सो अगर आप वो हर तरह के डिफेक्ट को, मीन हमने 50 की एक चेकलिस्ट बनाई हुई है कि अगर इनमें से कोई एक भी डिफेक्ट होगा तो आप कहेंगे दिस इज इस साइट के ऊपर हमें ये पर्टिकुलर डिफेक्ट मिल रहा है. सो अगर आप चाह रहे हैं कि आप उन 50 के 50 टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स को एज अपॉर्चुनिटी नहीं कंसिडर करना चाह रहे बल्कि उनको उनकी सिवेरिटी के परस्पेक्टिव से करना चाह रहे हो, देन आपकी अपॉर्चुनिटीज 4 होंगी. बट अगर ईच डिफेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाह रहे हो सो देन इट वुड बी 50. सो मैंने 50 लिया एंड दिस प्रोसेस इज वर्किंग ऑन 3.05 सिग्मा लेवल. ओके, सो अब हम आ जाते हैं, दिस इज द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म. जैसे कि हमने पहले भी बताया कि जब प्रोसेस जब टारगेट को हिट कर रहा हो और जब प्रोसेस टारगेट को हिट ना कर रहा हो तो उस पॉइंट से यील्ड है, जैसे कि हमने प्रीवियसली जो है वो कर्व के परस्पेक्टिव से देखा था कि अगर 1.1 सिग्मा लेवल है तो कितने परसेंट आप ओके प्रोडक्ट बना रहे हो और कितने परसेंट आपकी कितने नंबर ऑफ यूनिट आउट ऑफ 1 मिलियन डिफेक्ट्स होंगे. इस तरीके से जब 1.5 हम ऐड करेंगे, सो ऑलवेज रिपोर्ट, हमने जब भी सिग्मा लेवल को रिपोर्ट करना है सो दिस वे के परस्पेक्टिव से ही हमने रिपोर्टिंग करनी है. ओके, अब हम आ जाते हैं कि जो हम प्रीवियसली यील्ड कैलकुलेट कर रहे थे दैट इज बेसिकली आप जो है वो रोल थ्रूपुट यील्ड को फोकस करना है और वही हम रिपोर्ट कर रहे थे प्रीवियसली. लेकिन प्रैक्टिकली हमारी इंडस्ट्री के अंदर लोग क्या कह रहे होते हैं, इंस्टेड ऑफ रोल थ्रूपुट यील्ड, अब ये रोल थ्रूपुट यील्ड है क्या उसको भी हम डिस्कस करते हैं, वो फाइनल यील्ड को रिपोर्ट कर रहे थे. फाइनल यील्ड का मतलब क्या है कि हमारा जब प्रोसेस है, लाइक दिस इज द प्रोसेस फ्लो डायग्राम, हमारे पास 50 यूनिट की इनपुट हम दे रहे हैं, मीन हमने 50 यूनिट्स बनाने हैं, उसके मटेरियल का हमने इनपुट दिया. हमारे 3 प्रोसेसेस हो रहे हैं. प्रोसेस 1 के अंदर जब ये 50 यूनिट आए तो इसने 40 यूनिट तो पहले ही गो के अंदर एक्यूरेटली बना दिए एज पर द रिक्वायरमेंट, बट वो जो बाकी 10 थे उनमें से 4 स्क्रैप हो गए, 6 रीवर्क हुए. सो हमने उनकी रीवर्किंग की और फिर उनको भी उस 40 के अंदर ऐड कर दिया. सो दैट मीन 46 यहाँ पे मूव करेंगे. ठीक है, इसी तरीके से जब 46 मूव करेंगे तो उनमें कोई स्क्रैप नहीं हुआ, लेकिन 12 जो है वो इनिशियली रिजेक्ट हुए लेकिन हमने उनको रीवर्क करके करेक्ट किया तो 46 फिर आगे मूव कर गए. फिर हमारे पास क्या आ गया, 46 जब इधर मूव किए तो 9 स्क्रैप हो गए, 0 के ऊपर हमें रीवर्क करना पड़ा और इन द एंड हमने 37 जो है वो प्रोड्यूस कर दिए. ठीक है, सो ओवरऑल प्रोसेस की जो फाइनल यील्ड निकली वो क्या निकली कि हमने क्या कर दिया, जो आउटपुट है डिवाइडेड बाय इनपुट, सो दैट मीन इतने परसेंट हमने कंफॉर्मिंग प्रोडक्ट्स बनाए. सो विच मीन जब हम फाइनल यील्ड कैलकुलेट कर रहे होते हैं
हम उसमें सिर्फ स्क्रैप कंपोनेंट्स को एक्सक्लूड कर रहे होते हैं, हम रीवर्क को एक्सक्लूड नहीं कर रहे होते बल्कि उसको अपनी कैलकुलेशन में शामिल कर लेते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि यहाँ पे जो रीवर्क करके हमने उन 40 में से 6 को ऐड कर दिया। सो विद रिस्पेक्ट टू अगर मैं प्रोसेस 1 देखना चाहूँ तो 46/50, सो इस 46 में जो 6 कंपोनेंट्स हैं वो रीवर्क होने के बाद करेक्ट किए गए हैं। ठीक है, इसी तरीके से प्रोसेस 2 के अंदर जो है, क्योंकि आपके पास कोई भी स्क्रैप नहीं था, 12 रीवर्क करके ऐड किए गए, सो दैट्स व्हाई 46/46 100 आ गया। लेकिन अप टू प्रोसेस 2, क्योंकि यहाँ पे 46 आउटपुट आई थी, तो 46/50 ये प्रोसेस 2 तक यील्ड है, बट ओवरऑल जो आपके प्रोसेस की यील्ड बन जाएगी दैट इज टोटल आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट, दैट इज अ यील्ड। ओके, जो कि हमारी मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस यील्ड को जो है वो रिपोर्ट किया जा रहा था, विच इज नॉट अ गुड वे, क्योंकि इसमें आपने रीवर्क कंपोनेंट्स को इंक्लूड कर लिया होगा। ओके, अब हमें रिपोर्ट क्या करना चाहिए? सो उसके लिए हमें जो रिपोर्टिंग करनी चाहिए वो करनी चाहिए रोल थ्रूपुट यील्ड। लेकिन रोल थ्रूपुट यील्ड को कैलकुलेट करने के लिए हमें जो यील्ड कैलकुलेट करनी पड़ती है दैट इज अ थ्रूपुट यील्ड, विच इज ऑल्सो नोन एज टाइम फर्स्ट टाइम यील्ड या फर्स्ट पास यील्ड। दैट मीन कि हम इसके अंदर ना ही स्क्रैप कंपोनेंट्स को इंक्लूड करेंगे, ना ही रीवर्क कंपोनेंट को इंक्लूड करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ उन कंपोनेंट्स को इंक्लूड करेंगे जो फर्स्ट गो के अंदर हमने एक्यूरेटली प्रोड्यूस कर दिए। लाइक सेम एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, अब जब मैंने 50 को किया तो 4 स्क्रैप हो गए, 4 रीवर्क, लेकिन आउटपुट में जो फर्स्ट टाइम टीक बने वो 40 बने। सो इसलिए मैंने जो प्रोसेस 1 की यील्ड निकाली वो इंस्टेड ऑफ रीवर्क को ऐड करने की बजाय मैंने सिर्फ जो फर्स्ट टाइम सही बने उनको लेके यील्ड निकाली, तो मेरे प्रोसेस 1 की यील्ड बनी 80%। सो विच मीन अ प्रोसेस 2 की इनपुट क्या होगी 46, क्योंकि रीवर्क अब हम इनपुट में तो लेंगे लेकिन यील्ड कैलकुलेट करने के लिए उसको शामिल नहीं करेंगे। सो हमने रीवर्क किया, ओके, बट इसकी जो आउटपुट आई वो क्या आई, दैट इज 12 हमें रीवर्क करने पड़े, सो 36 - 12 सो वो क्या 34, सो 34/46 सो प्रोसेस 2 ने 73.9% जो कंपोनेंट्स है वो फर्स्ट गो में एक्यूरेट बनाए। सिमिलरली यहाँ पे क्या आया, गो में आया 46 लेकिन 9 हमने स्क्रैप बना दिया तो माइनस हो गया 37, सो 37/46 सो अब हमारे पास जो प्रोसेस 3 की यील्ड आई वो आई 80.4%। ओके, बट अगर मुझे हम डीपीयू गिवन है तो भी हम टाइम पर फर्स्ट थ्रूपुट यील्ड जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मुझे रोल थ्रूपुट यील्ड जो के रिक्वायर्ड होती है उसको कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, हर प्रोसेस की फर्स्ट पास यील्ड कैलकुलेट करूंगा जो कि हमने प्रीवियसली निकाली, और सिंपली तमाम के तमाम प्रोसेस की फर्स्ट पास यील्ड को जिसको हम थ्रूपुट यील्ड कहते हैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, सो दैट इज द 47.5। दिस इज अ वेरी गुड वे टू रिपोर्ट योर थ्रूपुट यील्ड, और सिक्स सिग्मा कहता भी यही है कि आपने रोल थ्रूपुट यील्ड को रिपोर्ट करना है, क्योंकि सिक्स सिग्मा के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, ये क्वालिटी मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या कह रहे होते हैं कि राइट एट अ फर्स्ट टाइम मींस जिसमें स्क्रैप शामिल नहीं होना चाहिए, जिसमें रीवर्क शामिल नहीं होना चाहिए। सो इट मीन फर्स्ट गो में हमारा जो प्रोसेस है वो सिर्फ 47.5% जो है वो राइट प्रोडक्ट बनाता है, बाकी हमें रीवर्क करके ठीक करने पड़ते हैं या स्क्रैप हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो रोल थ्रूपुट यील्ड आप इस फॉर्मूला के जरिए भी निकाल सकते हैं। ओके, अब हम आ जाते हैं, आई होप कि आपको क्लियर हो गया कि हम किस तरीके से अपने प्रोसेस का सिग्मा लेवल कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं कि हमारे पास सिक्स सिग्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हमने इसको इंप्लीमेंट करना है तो हमारे पास कौन कौन सी मेथोडोलॉजीज अवेलेबल है। सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ सिक्स सिग्मा प्रोग्राम्स, अगर हमने एग्जिस्टिंग सिस्टम को इम्प्रूव करना है, विच इज सिक्स सिग्मा एंड लीन सिक्स सिग्मा, और दोनों के अंदर हम डीमैक मेथोडोलॉजी को अप्लाई कर रहे होते हैं। और अगर आप चाहते हो डिजाइन फॉर सिक्स सिग्मा, सो ये वाला प्रोग्राम हम उस वक्त अप्लाई कर रहे होते हैं अगर आपने एग्जिस्टिंग सिस्टम को इम्प्रूव नहीं करना बल्कि आपने नया एक प्रोसेस जो है वो बनाना है या नया प्रोसेस डेवलप करना है, दैट डीएमए डीवी मेथोडोलॉजी को हम अडॉप्ट कर रहे होते हैं। ओके, अगर आपने एग्जिस्टिंग प्रोसेस को इम्प्रूव करना है सो देन एग्जिस्टिंग प्रोसेस के लिए हम डीमैक मेथोडोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं। ओके, अब जैसे मैंने को पहले बताया कि हमारे पास तीन तरह के प्रोग्राम है, सिक्स सिग्मा के, सिक्स सिग्मा लीन सिक्स सिग्मा, डिजाइन फॉर सिक्स सिग्मा। सो ये वाला प्रोग्राम हम उस वक्त यूज कर रहे होते हैं जब आपने बिल्कुल नया एक प्रोग्राम यानी कि नया एक सिस्टम लगाना है और हम उसकी कह लें कि रिलायबिलिटी और रोबस्टनेस चाहते हैं। रोबस्टनेस मीन अगेन
कि उसमें कम से कम वेरिएशन आए, कम से कम फ्लक्चुएशन आए। जबकि अगर हम सिक्स सिग्मा जब एग्जिस्टिंग सिस्टम को हमने यूज करना है तो वहां पर डीमैक मेथडोलॉजी लगाई जा रही होती है, और कोर सिक्स सिग्मा का अल्टीमेट टारगेट क्या होता है, हमने डिफेक्ट्स को रिड्यूस करना है, हमने प्रोसेस के अंदर वेरिएशन को रिड्यूस करना है, हमने अपनी कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी को रिड्यूस करना है, ठीक है। एंड वी हैव मल्टीपल टूल्स इन ऑर्डर टू गेट दिस ऑब्जेक्टिव डन, ठीक है, ताकि हम अपनी इसको फोकस करते हुए वेरिएशन को रिडक्शन का, डिफेक्ट्स की रिडक्शन का या पुअर क्वालिटी की रिडक्शन का करते हुए हम अपने प्रोसेस को इम्प्रूव कर सके। जबकि लीन सिक्स सिग्मा के अंदर हम टाइम कंपोनेंट को भी ले लेते हैं, मीन वेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात की जा रही होती है, साइकिल टाइम, डिलीवरी इस एंगल के अंदर आ जाते हैं, मीन जिसमें लीन के टूल्स को भी इनकॉर्पोरेट कर लिया जाता है। सो बेसिकली लीन सिक्स सिग्मा इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लीन मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज सिक्स सिग्मा, उसके कॉम्बिनेशन टूल्स को इस्तेमाल किया जा रहा होता है। बट फिलहाल हम इस कोर्स के अंदर जो टारगेट कर रहे हैं दैट इज दिस प्रोग्राम विच इज अ सिक्स सिग्मा, और हम इसी को ही, इसी के अकॉर्डिंगली टूल्स को भी डिस्कस करेंगे। ओके, अब हम आ जाते हैं कि हमने डिफाइन फेज के अंदर क्या करना होता है, मेजर फेज के अंदर क्या करना होता है। सो डिफाइन फेज के अंदर ये डायग्राम जैसे हमने प्रीवियसली भी डिस्कस की कि सबसे पहले हमें इंडिकेट ये करना होता है कि हमारा कस्टमर कौन है और वो हमसे चाह क्या रहा है, ठीक है, और वो हमने उसकी नीड के अकॉर्डिंगली अपने प्रोसेस को किस तरीके से इम्प्रूव करना है, विच इज बेसिकली क्रिटिकल टू क्वालिटी हमारे लिए क्या है। क्या हमारे ये है कि वो अपने पालपन की डायमीटर को रिड्यूस करवाना चाह रहा है, सो वट एवर जो भी आपके प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू उसकी नीड है, हम उसको आइडेंटिफिकेशन कर रहे होते हैं कि हमारा कस्टमर कौन है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, और हम उन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली अपने टारगेट सेट कर रहे होते हैं। जबकि मेजर फेज के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं कि व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ, मीन हमारा प्रोसेस करंटली किस तरीके से बिहेव कर रहा है। सो हम डेटा को कलेक्ट कर रहे होते हैं और हम उसकी करंट परफॉर्मेंस को मेजर करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि करंटली हमारा प्रोसेस किस सिग्मा लेवल के अंदर जो है वो बैठा हुआ है या किस सिग्मा लेवल के ऊपर हम काम कर रहे हैं। उसके बाद हम क्या कर रहे होते हैं कि वंस वी हैव मेजर दैट वन, सो यहाँ पे हम फिर उसकी कॉजेज की आइडेंटिफिकेशन मीन उन क्रिटिकल एक्सेस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे होते हैं जो कि आपके वाई को अफेक्ट कर रहे होते हैं। एंड देन आफ्टर स्क्रीनिंग दोज क्रिटिकल एक्सेस, फिर हम उसकी इंप्रूवमेंट की तरफ चले जाते हैं कि ओके उन क्रिटिकल एक्सेस की क्या सेटिंग रखी जाए, किस तरीके से उनका इंट्रैक्शन रखा जाए कि आपकी आउटपुट जो है वो, या जिसको हम आउटकम कह रहे हैं, जो हमारा अफेक्ट है वाई है, वो इम्प्रूव हो जाए। एंड वंस वी हैव डन द इम्प्रूवमेंट देन वी नीड टू कंट्रोल इट, ताकि हमारा प्रोसेस स्टे रहे, स्टेबल सेंस के अंदर रहे, ठीक है। सो हमने उसको स्टेबल करना। ओके, अब हमारे पास जैसे मैंने को पहले बताया कि सिक्स सिग्मा के अंदर हम मल्टीपल टूल्स यूज कर रहे थे, कुछ क्वालिटी टूल्स, स्टेटिस्टिकल टूल्स, मैनेजमेंट टूल्स। सो इन तमाम का कॉम्बिनेशन जो है दैट इज बेसिकली द सिक्स सिग्मा टूल्स कलेक्शन। और याद रखिएगा कि क्योंकि जारी पता है इस कोर्स के दौरान हम इन तमाम टूल्स का जिक्र भी कर रहे होंगे, लेकिन कोई भी टूल जो है वो आपके लिए हेल्पफुल नहीं है। आप बेशक तमाम के तमाम टूल्स को आपके बारे में नॉलेज हो, लेकिन अगर आप उसको अप्रोप्रिएट प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली, अप्रोप्रिएट लोकेशन के अकॉर्डिंगली यूज नहीं कर रहे, तो देन वो आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर रहा होगा। सो बेशक आप जितने मर्जी टूल अप्लाई कर रहे हो। ओके जी, अब हम आ जाते हैं कि सिक्स सिग्मा का जो स्ट्रक्चर होता है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, वो हमारे पास क्या है। सबसे पहले जो क्वालिटी काउंसिल या स्टीयरिंग कमेटी है, वो आप कह सकते हो कि दैट इज मे बी द ऑर्गेनाइजेशन ऑनर और या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो सकता है। चैंपियन बेसिकली वो होता है कि जो कि उस प्रोसेस का, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि कटिंग डिपार्टमेंट जिस पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपका स्पॉन्सर या प्रोसेस ऑनर कहलाएगा। मास्टर ब्लैक बेल्ट बेसिकली एज अ कोच या ट्रेनर के ऊपर होता है। सो दिस गाय हैज अ ऑलरेडी ब्लैक बेल्ट वो होता है, लेकिन उसने 3-4 प्रोजेक्ट्स किए होते हैं, ठीक है, और उसकी उसके पास एक सर्टिफिकेशन होती है, तो वो आपको टेक्निकली सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है। वो लाजमी नहीं है कि वो हर प्रोजेक्ट का हिस्सा हो, बट इफ यू आर स्टक समवेयर एज अ ब्लैक बेल्ट प्रोजेक्ट मैनेजर, तो देन वो आपको एक टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है। सबके जो ब्लैक बेल्ट जो है वो आपके सिक्स सिग्मा का प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, ग्रीन बेल्ट या आजकल येलो बेल्ट का भी कॉन्सेप्ट आ रहा है, वो आपके टीम मेंबर्स होते हैं। सो ग्रीन बेल्ट और ब्लैक बेल्ट के अंदर डिफरेंस बेसिकली ये होता है दैट इज अ डेप्थ ऑफ नॉलेज। सो ग्रीन बेल्ट के अंदर ऑब्वियसली टूल्स कम पढ़ाए जाते हैं, जबकि ब्लैक बेल्ट के अंदर आप इन डेप्थ टूल्स को डिस्कस कर रहे होते हो और आप जो है वो
उसकी एप्लीकेशन को देख रहे होते हो। और मास्टर ब्लैक बेल्ट बेसिकली नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो ब्लैक बेल्ट के इक्विवेलेंट होता है, बट इट हैज सम एक्सपीरियंस, उसने 4-5 या 6 मल्टीपल ब्लैक बेल्ट प्रोजेक्ट्स किए होते हैं, सो ही हैज द नॉलेज अबाउट द वेयरिंग एंड टेयरिंग अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट, क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, तो वो हमें हेल्प आउट कर रहा होता है टेक्निकल सपोर्ट के पर्सपेक्टिव से। ओके, सो ये बेसिकली जस्ट मैं यहाँ पे इंडिकेट कर रहा हूँ कि अगर आप किसी भी प्रोसेस का इम्प्रूव कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू लीन या सिक्स सिग्मा, तो अल्टीमेट टारगेट दोनों मेथडोलॉजी का क्या होता है कि हमने कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, बट सिक्स सिग्मा में हमारा अल्टीमेट फोकस क्या होता है, दैट इज कि हमने अपनी वेरिएशन को रिड्यूस करना है और हम प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं इन टर्म्स ऑफ डिफेक्ट्स, और उनको हम रिड्यूस कर रहे होते हैं और अपने प्रोसेस की वेरिएशन को रिड्यूस करने की बात कर रहे थे। जबकि लीन के अंदर हम प्रोडक्ट के फ्लो को बेसिकली फोकस कर रहे होते हैं और जो उसके फ्लो को डिस्टर्ब कर रहा होता है, मीन जो जो वेस्ट आ रही होती है, हम उनको रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया कि सिक्स सिग्मा बेसिकली है क्या, किस तरीके से हम किसी अपने प्रोसेस का सिग्मा लेवल जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, और सिक्स सिग्मा का स्ट्रक्चर क्या होता है जब आप कोई सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट कर रहे होते हो। सो थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।